लोगों को मूर्ख बनाने वाली वस्तु नहीं है, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाले जुमले हैं। जैसे अच्छे दिन आएंगे जी जुमला है, ये तो खुद उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जुमला है ये तो केवल, और जो और हैं उनके साथी उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने में तो 25 साल लगेंगे जी, और ये सारी की सारी जुमलेबाजी ही तो है। जुमलेबाजी ही तो है जो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे, इतना पैसा विदेशों में है। ये जुमला ही तो है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे जी। ये जुमला ही तो है डिजिटल इंडिया बनाएंगे सर, सारे के सारे जुमले ही तो हैं और है क्या। सर आपने स्मार्ट सिटी की बात कही है, मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि सर अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक योजना कह लें या एक आदेश पारित किया था कि जो मिनिस्टर हैं सांसद हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर अपने हलके के अंदर अपने जो सांसद का जो क्षेत्र है कि उसमें एक गांव को गोद लेंगे। सर वो जो गांव गोद लिए थे अभी गोद में है या वो पैदल चलने लगे हैं? वो तो अब गोद में भी नहीं दिख रहा, आप तो पैदल चलने की बात करो, गोद में ही है या चलना, वो तो कहीं गोद में भी नहीं दिख रहा, कहां है कहां खो गया पता नहीं। क्योंकि माननीय मोदी जी ने खुद जिस गांव को अपने संसदीय क्षेत्र में गोद लेकर उसको एक मॉडल, एक विकास का मॉडल दिखाने की कोशिश की थी, वही कहीं नहीं नजर आ रहा। रिपोर्ट आपको आती है, आप देखते हैं कि जिस गांव को गोद लिया उसी में विकास नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, और डिजिटलाइजेशन जिसका हल्ला मचा रहे हैं कहीं कुछ नहीं है उसमें। यहां तक कि मोदी जी ने बनारस में जिस गंगा नदी की सफाई का बीड़ा लिया और जिसकी गंगा नदी की सफाई के लिए अलग से मंत्रालय बनाया, उमा भारती जी जिसकी मंत्री हैं, वो खुद गंगा आज वहां पर सिसक रही है, मतलब जितनी गंदी वो पहले थी 2014 में आज की तारीख में उससे ज्यादा गंदी हो गई है। तो इनका तो ये काम है कि सिर्फ कहे जाओ बोले जाओ, करना कुछ नहीं है। इनका केवल ये काम है जितना भी हो सके लोगों को बोलकर गुमराह करो। जैसे स्मार्ट सिटी का मैंने आपको बताया, जैसे आपको अच्छे दिन का मैंने बताया, एक बहुत तगड़ा इन्होंने जो लोगों को वो दिया जुमला कि 2 करोड़ नौजवान लोगों को रोजगार देंगे, और दिया क्या, जिनके रोजगार थे वो भी चले गए। और मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलो, अबे भाई पकौड़ा ही तलना था तो ये उसी समय कहते ना जिस समय वोट मांग रहे थे 2014 में, फिर बताते लोग कैसे पकौड़ा तले जाते हैं। और एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सोच समझ के ये बात कहनी चाहिए कि आप किन के विषय में ये सारी बातें कह रहे हैं। उन नौजवानों के विषय में जिन नौजवानों ने आपको पूरी ताकत से आप पे विश्वास करके वोट दिया, जिन नौजवानों की बदौलत आपको इतना जबरदस्त बहुमत मिला, जो नौजवान अपनी पूरी जवानी अपने सबसे महत्वपूर्ण दिन रात दिन मेहनत करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, और इस उम्मीद में कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छी सरकार आकर रोजगार की व्यवस्था करेगी, उन्हें भी सम्मान से जीवन जीने का मौका मिलेगा, आप उन्हें पकड़ तलने की बात कर रहे हैं। सर अभी आपने ये जुमले की सरकार बताई है और एक जुमला तो नहीं माना जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं कैशलेस इंडिया करूंगा, कैशलेस करूंगा, लेकिन उन्होंने ये तो काम करके दिखला दिया, उनके सहयोगी साथियों ने करके दिखला दिया कैशलेस इंडिया। आप पीएनबी की बात कर लें या ओरिएंटल बैंक की बात कर लें या और भी बैंकों की बात करेंगे, सर वो तो कैशलेस कर दिया। तो जो उन्होंने कहा उन्होंने कर दिया। भाई माननीय मोदी जी ने कैशलेस इंडिया की बात कही थी तो उनके जो सहयोगी हैं वो सारे के सारे पैसा लेके देश से भाग गए, तो जब कैश ही नहीं रहा देश में तो कैशलेस हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही इस देश के लिए हानिकारक स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है कि जो लोग हैं मैं उन लोगों को लुटेरे कहूंगा, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विक्रम सेठ हो, और चाहे वो विजय माल्या हो या और कोई भी हो, चाहे वो चौकसी हो, मेहुल चौकसी, इस तरह के कितने ही लोग हैं जिनको भगाने में कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों का हाथ रहा है, और ये अभी से नहीं पहले से भी चला आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो रिपोर्ट इस समय आ रही है, इस साल पिछले साल देश में 7,000 अरबपति लोग
इस देश को छोड़कर चले गए और विदेशों में सेटल हो गए, और हर साल हजारों की संख्या में अरबपति लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, विदेशों में सेटल हो रहे हैं। तो जो अरबपति लोग हैं, जो पैसा उन्होंने इस देश से कमाया, जो पैसा इस देश की तरक्की में लगना चाहिए था, वही अपना पैसा लेकर इस देश को छोड़ कर भागे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है देश कैशलेस हो गया। कैशलेस डिजिटल इंडिया वाला कैशलेस नहीं है कि कैश की जरूरत ही ना पड़े आपको, आप डिजिटलाइजेशन इतना कर दें, और उसमें भी आप कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट की आपकी जो फैसिलिटी है वो यहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश से भी घटिया स्थिति में है। जो आपका इंटरनेट चलने के लिए 4G जो आपका जो इंटरनेट चलता है उसके लिए आपको बढ़िया अगर क्वालिटी चाहिए तो 40 Mbps से ऊपर आपकी वो होनी चाहिए उसकी क्वालिटी, लेकिन आपके यहाँ पे कितनी है, 6 और 7 Mbps। तो कैसे आप डिजिटल इंडिया करेंगे? वो डिजिटल इंडिया सिर्फ नारा था जिसमें 4.5 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च करने की बात कर रही थी। 4.5 लाख करोड़ खर्च करने की बात करी तो वो पैसा किसानों पर खर्च करे, वो मजदूरों पर खर्च करे जिनकी इतनी बुरी स्थिति है उन पर खर्च करे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खर्च करे, आंगनवाड़ी बहनों की जो मानदेय देने के लिए उन्हें सम्मान से जीवन जी सके उस पर खर्च करे, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं उन पर खर्च करे, जो हमारी बहनें जो मात्र 1000 रुपये महीने उनको मिलता है, जो मिड डे मील बनाती हैं 1000 रुपये में क्या होता है कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं, शर्म नहीं आती किसी सरकार को कि उनको 1000 कम से कम 5000 तो दे, पूरा दिन उनका जाता है वो काम करती हैं, आग के सामने बैठ के काम करती हैं, 1000 की जगह कम से कम 5000 तो उन्हें मिलना चाहिए। तो उनको पैसा देकर उनकी स्थिति सुधारनी चाहिए, न कि डिजिटल इंडिया का बेवजह का नारा देकर। और कैशलेस इंडिया की जो बात कर रहे हो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरी तरह से मत कहूँ, फिर तो मैं नहीं कह रहा, सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप लोग ये कह रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ कि कैशलेस इंडिया का मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की नजर में ये है कि इस देश का बैंकों में जो पब्लिक का पैसा है उसे लूटो, उसे लूट के विदेश चले जाओ, अपने आप इस इंडिया कैशलेस हो जाए। भानु प्रताप सिंह जी, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ है और वहाँ मशीनों से चुनाव हुआ है, और आए दिन आप लोग मशीनों पे आरोप लगाते हैं कि मशीनों के अंदर गड़बड़ी है और मशीनों के अंदर जो जानबूझ के उसे हैंग कर दिया जाता है या हैंग कर दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन आज जो वहाँ बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, क्या मशीनों की वजह से हुआ? अगर मशीनों के अंदर ऐसी गड़बड़ थी तो अब क्यों नहीं हो पाई? देखिए, अगर इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हार भी जाती है, भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है, क्या फर्क पड़ जाएगा? 5 साल उनकी सरकार बड़े आराम से चलेगी, 4 साल उन्होंने बिता दिए, अकेला 1 साल रह गया है, 1 साल में उन्हें कोई खतरा नहीं है। और लोगों में क्योंकि ईवीएम के प्रति गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये उनकी रणनीति है कि यार उपचुनाव में हम हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे मैसेज ये चला जाएगा, लोगों में ये संदेश चला जाएगा, भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये जो नेता कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ईवीएम तो बिल्कुल ठीक है। अगर ईवीएम ठीक नहीं होती तो ये क्यों हार जाती है? यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी हारती कैसे? तो उस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस बात पर कोई आंदोलन ना हो, कम से कम लोग उनके खिलाफ ना खड़े हों, इसको जानबूझकर ये बीजेपी इन इलेक्शन में हारी है, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 साल उसकी सत्ता चलेगी, अगले 1 साल में कोई दिक्कत नहीं उन्हें। अगर उन पर फर्क पड़ता तो शायद कोई बात होती, जब उन पर फर्क नहीं पड़ रहा तो हार जाए तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन एक सवाल, एक आंदोलन जिस पर खड़ा हो सकता है वो ईवीएम की गड़बड़ी, उस मुद्दे को ठंडा करने का प्रयास है, इसलिए यहां से ये लोग जीते हैं। सर, ये आपकी व्यक्तिगत राय और आपकी पार्टी की जो राय है, जो 2019 में जो चुनाव होगा आप उसे बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे या मशीनों के द्वारा कराना पसंद करेंगे? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि 2019 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से हो। केवल ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं, हमारी पार्टी की भी ये राय है। तो उसके लिए आप पहल क्या करेंगे, मशीनों के या बैलेट पेपर के लिए? देखिए, इस विषय में हम लोग अपनी पार्टी के साथ बैठ के रणनीति बना रहे हैं, और जो हमारे अलायंस के साथी हैं उनके साथ भी हम बैठ के अपनी रणनीति बना रहे हैं, और बहुत जल्दी हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे किस तरह से हम इस मुद्दे को लेके चलेंगे।